उलझी ही उलझी कम्युनिटी होगी जिसमें आएगी अपनी ट्रॉफी। कहते हैं दोस्ती चड्डी की तरह होती है, हमेशा इज्जत बचाती है, लेकिन चड्डी में अगर कोई छेद कर जाए तो आदमी पपी पपी शेम शेम हो जाता है। बिग बॉस की रणभूमि में अपना लहू बहाकर आए दो शूरवीरों के समर्थकों ने ये तय किया कि जंग अभी बाकी है। अबे ट्रॉफी हमारे फुकरा भाई डिजर्व करते हैं, तुम्हारा फटा हुआ सिस्टम नहीं। अबे जब इतना ही गूदा था तो ट्रॉफी क्यों नहीं जीती, अब क्या करवा रहा है फेक पीआर है? आज ये महायुद्ध देश के छोटे मोटे मुद्दे जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई को रोनते हुए नेशनल इम्पोर्टेंस का बन चला था। जब बात हाथ से ना सुलझ पाई तो उन्होंने बात को बात से ही सुलझाने का सोचा और जा पहुंचे एक घमासान वाद विवाद में। बाबू क्या करा रहे हैं, ये हमारा अंदाज थोड़ी है, ये तो हगेस का अंदाज है, हमारे शो में हमारा अंदाज चलेगा। तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, देखो देखो यूट्यूब कम्युनिटी में भारी भसड़ हो गई। जी हाँ दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत करिए अपना और हमारा आपके अपने शो फैसले की रात में। आज के कड़े मुद्दे उठाए जाएंगे एक महायुद्ध में जहां आ रहे हैं दो सूरवीर, तो तालियों के साथ स्वागत करिए सिस्टम अधिकारी एल्विस का। सिस्टम है भाई, सिस्टम है, सिस्टम है। टू वन सिस्टम। और पांडा गैंग के रक्षक फुकरा। रहू हम्बल ना ईगो चढ़ी सर पर। क्या बात है, क्या गाते हैं। वैसे वैसे हेलो सर, हेलो हेलो, एल्विस भी आए हैं यहाँ पर। सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है। क्या साढ़े घूर क्या रहा, खाएगा? अबे खा तो तू गया मेरे हक की ट्रॉफी। नहीं पांडे रुको रुको, वहीं बैठो वहीं बैठो। सज्जनों की तरह बातचीत होगी मेरे शो में, सज्जनों की तरह बातचीत होगी, बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, बैठो वहीं पर। हाँ जी एलवी जी, क्या आपको लगता है कि फुकरा आपसे जलते हैं? और क्या, क्यों साड़ा फुकरा फुकरा मेरे से? अरे भैया वर्ड प्ले कर दिया है आपको। सर मैं क्यों फूकूंगा, इससे फूकूंगा इस चोर से। एक मिनट अपनी बात पे रहिएगा, बहुत संगीन आरोप लगाए आपने, चोर बोला गया है, चोर बोला गया है। क्या गलत बोला सर? ठीक है, नहीं नहीं मेरे हक की ट्रॉफी खा गया, क्या गलत बोला सर? नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आपकी बात रखनी हमने। आप बताइए आप अपने डिफेंस में क्या बोलेंगे? देखो साड़ा चोर बोल कौन रहा, जिसने खुद मिस्टर बीस्ट का कंटेंट चुरा के अपना करियर बना रखा। माइक ड्रॉप कर दिया है ये यहाँ पे, माइक ड्रॉप कर दिया। चोर बे, चोर बे। एक मिनट सर, आप बताइए कि कंटेंट चोर ज्यादा बदनाम है या गमला चोर, आप लोग बताइए। अरे भैया धोबी पछाड़ दे दिया है एलविस आर्मी को यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सुनिए सुनिए, अभी थोड़ा शांति से माहौल बनाए रखते हैं, क्योंकि आरोपियों की लिस्ट बहुत लंबी है, कानून के हाथ से भी ज्यादा लंबी है। तो अगला आरोप मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ पर फुकरा ने बोला है, आप पे आरोप लगाया है एलविस जी, ध्यान से सुनिएगा। फुकरा ने एलविस पर नेगेटिव पीआर करवाया है 25 लाख का। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। गालियां बकना आप मेरे को अगर ये प्रूफ हो जाए कि मैंने नेगेटिव पीआर करवाया। अरे अरे सर, इसकी जैसी हरकतें है ना, नेगेटिव पीआर की जरूरत है क्या? देखो नजर आप। तो देखिए दोस्तों, तीखे बोल निकल चुके हैं फुकरा की तरफ से। एलवी जी डिफेंस में क्या बोलेंगे? साढ़े हमारे हरकतों की बात कर रहा, अब तुझे पता है कितने बेरोजगारों का पेट पाल रहे हम हैं? बेरोजगार नहीं, एक मिनट, कौन से बेरोजगार का पेट पाल लिया भाई आपने, मेरे को भी जानना है, जरा बताओ यार। कटारिया, लक्ष्य, अर्चित। नहीं ये तो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। पांडा गैंग प्लीज तालियां बजाओ सर के लिए, तालियां बजती रहे, तालियां बजाओ। हाँ सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है। और ऐसे गुड सिस्टम के लिए तुम लोग कैसे बैड कमेंट्स करवाते हो यार, और बताओ यार मेरे आगे लोग कैसी कैसी बातें बोल के जाते हैं। अरे एल्विस भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए एल्विस बॉय, साढ़े इधर आ, इधर आ भाई। अरे अरे एल्विस जी शांत हो जाइए, बैठिए 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 बैठिए, थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है, थोड़ा गर्म माहौल के हैं आप। अरे इसको मरवाओ यार, शांति रखिए।
बेवकूफ का बच्चा। हाँ सर, इनको बिठाओ और समझाओ कि ऐसे जिनके फैंस हो, मुझे जरूरत है इनकी नेगेटिव पीआर करवानी। जिनके ऐसे फॉलोअर्स हो सर, आप ही बताओ। हैं कटाक्स कटाक्स कस दिया एलवी जी आप पे, आप क्या बोलेंगे बताइए ना भाई। यो सिस्टम तो मैं भी एग्री करता हूँ, पर कीड़े तो शीशम की लकड़ी में भी हुआ करे है ना। और मुझे क्या लगता है, यो कीड़े ना इसी ने प्लांट करे हैं। वरना सर आप देख लो, एलविश आर्मी में एक बंदा आपको अनएजुकेटेड नहीं मिलेगा। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी एलवी जी। अपनी अपनी बात पे रहिएगा। हाँ तो सिस्टम है, पूछ लो भाई, जिससे भी कुछ भी पूछना पूछ लो। हाँ तो सर पूछो ना, आप पूछो सर। चलिए चलिए, हम पूछते हैं, साथ हो जाइए, साथ हो जाइए, हम सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। आप डिफेंस की बात हो रही है तो बताइए, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मैं चुप, तुम नहीं। एलविश आर्मी बोलेगी, एलविश आर्मी बोलेगी, रुकिए तुम रुकिए। इधर अरे एलविश आर्मी, ये लड़का बढ़िया लग रहा है, आप बताइए। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर 65 आए। कैडा भाई कैडा, बहुत सही बंदा तू, सिस्टम आर्मी का हेड है, बहुत बढ़िया। देगा सर देगा, देखो देखो ये आपका आइकन, इसका एजुकेशन से उतना ही नाता है जितना प्रोस्टिट्यूट का वर्जिनिटी से। वो साढ़े वही। नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होगा हमारे स्टूडियो में, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। आप ये नहीं, प्रोस्टिट्यूट के बारे में कैसे बोल रहा है? कटारिया के बारे में कुछ ना सुन सकता मैं, पहली बता रहा हूँ, घर से उठा लूंगा साढ़े में तेरे को। ये मुझे घर से उठाएगा, मुझे घर से उठाएगा तू? अबे जहां हूं ना, सात पुश्ते लग जाएंगी तुझे वहां पहुंचने में। सिस्टम का सिस्टम है, हिंसा नहीं होगी, हमारे पीछे हो जाइए। ना हूं हम्बल ना ईगो चाड़ी सर, पीछे बैठो। अरे चुप चुप ना, सिस्टम हमारा सो है, हिंसा नहीं होगी यहाँ पर, शांतिपूर्वक बात होगी, समझे समझे एल्विस? एक मिनट वो साढ़े क्या है बे, हैं क्या कह रहा तू? एजुकेशन एजुकेशन, साढ़े जितनी बुक तूने पढ़ी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा बुक पढ़ के फेंक चुका हूँ मैं, समझा? एक मिनट भाई, कितनी बुक पढ़ ली तूने? मेरे को चार बुक के नाम बता दे चल। बैट बुक, भाई बुक, निंजा बुक, महादेव बुक, और बता। सर मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये साला ईडी का रेड पड़वाएगा हमारे से ऊपर। एक काम करते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया एड डाल देते हैं, कोई बढ़िया एड डालता है। एक कैमरामैन एड चलाओ। बड़ी खुजली हो रही है यार ओपिनियन देने की, इसलिए मैं आ गया प्रोबो ऐप पर, जो कि है इंडिया का नंबर वन ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप, जहां पर आप यस और नो में आंसर देके जीत सकते हैं लाखों। तो जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चालू है, तो प्रोबो पे बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपना 12th मैच जीतेगी? डेफिनेटली जीतेगी। तो मैंने कर दिया अपना ओपिनियन यस, और मैं जीतूंगा इससे लाखों। यहां आपको मिलता है अनलिमिटेड डिपॉजिट के साथ अनलिमिटेड विड्रॉल, वो भी इजिली थ्रू UPI, पेटीएम, कार्ड्स या जैसे आपकी मर्जी हो। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो प्रोबो और पाओ अप टू 25 रुपीज। हेलो, हाँ पेमेंट आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वीडियो कंटिन्यू करो, एलविश फुकरा वेट कर रहे हैं। चलो चलो चलो। ये तो कहते हैं कि मैं मालगाड़ी, तू धक्का लगा, और भिड़ बैठे हैं दो भाई जो कहते थे एक दूसरे को अपना सगा। वापस है आपका फैसले की रात में, और आरोपों की इस नहर में अगला गोता लगाने आ रहे हैं पांडा प्रमुख फुकरा इंसान जी। तो फुकरा क्या आरोप है आपका, बताइए। सर मैं अपना आरोप बताना नहीं, दिखाना चाहूंगा। दिखाना चाहते हैं आरोप, चलिए भाई दिखाइए। और जो हिंदुस्तान को झुका दे वो माइक। अरे पांडा अध्यक्ष, ये कौन सी कबर के मुर्दे जिंदा कर रहे हो भाई? भाई क्या कहना है तुम्हारा, देखो ये साढ़े पन्नी चुगने वाले हैं, सबके सब लौंडियां हैं, मन करता एक में इनका सिस्टम ठीक कर दूं, छोड़ता मैंने इनको देख के। और एक बात बताओ यार, तुम अगर तुम लिपसिंग को टैलेंट कहते हो ना, तो तुम्हें ट्रिगर्ड इंसान को भी फनी बोलना शुरू कर देना चाहिए, समझे? ये देखो एक और पैदा हो गया, क्या है ये, इनको मारो भाई, इनको खूंटा बांध के मारो साड़ों को, सबके सब घंटवे हैं ये। अरे एलवी जी, अरे चूतिए एक नंबर। एलवी जी नंगी आंखों से देखिए, सच का सामना करिए जरा, क्या हो रहा है ये? यू क्या साड़े बंद कर, इसने बंद कर। नहीं 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 नहीं, बंद नहीं होगा, सच को दबा नहीं सकते हैं आप,
ये सच का सामना करना पड़ेगा आपको, आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब मांग रही है, बताइए क्या है ये? क्या लग रहा है ये तुम्हें, क्या लग रहा है? सिस्टम 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 भैया, सिस्टम सिस्टम सब सिस्टम है सब, ये फुहड़पना करें तो सिस्टम है इनका, देखिए ये सिस्टम है, ये भी सिस्टम है आपका, और ये अरे अरे आपने ईसा मौमी जी के साथ वीडियो बना रखी है एल्विस भाई, सिस्टम है भाई। अरे अरे कुछ बताइए ना, कैसी हैं सामने से वो? एकदम मलाई भाई, कैडी। अरे उनसे तो फूलों की महक आती होगी ना? ओए ओए, कंधे से आती है गुलाब की, इधर से आती है ये, इधर होता ना बाजू, कान के बाजू, यहाँ आती है गेंदे की। मेरा तो सिस्टम ही डाउन हो जाता भाई। एक मिनट सर, ये क्या बातें हो रही है ईशा जी? सर इस चीज पे नहीं बोलने का। क्यों सर, क्यों नहीं? सर इस चीज पे नहीं बोलने का। नहीं सर क्यों, सर सुनो तो आप मेरी। अरे आपकी सारी बात सुन ली हमने, लेकिन इस चीज पे नहीं बोलने का। अरे सर सुन तो लो सर, इस चीज पे नहीं बोलने का, नहीं बोलने का। पानी एक गिलास मिल जाएगा, पानी नहीं पिए सर। ईशा जी मम्मी है हमारी। ओए साढ़े रिपोर्टर सुन, अपना ना सिस्टम हैंग मत कर, मेरा गाना सुन ले, मूड फ्रेश हो जाएगा तेरा। गाना गाने सुनाओगे आप? गाना सुनते हैं आज, आपका गाना सुनते हैं। जरा ये आपके गाने के बोल सुनाता हूँ आपको, है ओके? हम भी सुनते हैं सर के गाने के बोल। हाँ 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 हाँ। जो डैशबोर्ड में रखे लोडेड घोड़ा, आई एम अ बैड गाय बैड बॉय मैड मैन। भाई साहब कोको मेलन चैनल पर जो बच्चों की कविताएं होती हैं उनके लिरिक्स में ज्यादा मेहनत हो जाती है, क्या है ये? क्यों हो गया भाई, बढ़िया तो है सिस्टम है, फुल बदमाशी है गाने में, हैं? बदमाशी है साले, तुम्हारी पूरी गैंग का वेट नापा जाए ना तो दुनाली से 400 ग्राम कम निकलेगा, बदमाशी करोगे तुम्हें? सर सर ये बहुत अच्छा पॉइंट था सर, सर थैंक यू, आपने समझा कि एक वाइल्ड कार्ड कभी ना विनर हो सकता है और ना ही सिंगर। अरे ओ खिसियाई सुरैया, ओ क्या टापे मार रहे हो, हैं? तुम्हारा हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, दूसरे का नाड़ा तो वो खोले जिसके खुद के कच्चे में छेद ना हो। तुम्हारे गाने के बोल सुनाऊं मैं जरा, हैं? इनके गाने के बोल सुनो। हाँ, हाईवे पे स्पीड लिमिट तोड़े गाड़ी मेरी, खुल्ले सारे जानते ना गाड़ी रोकी आज तक, क्या है ये, क्या है ये? नहीं चलो, उसका साला राइम तो कर रहा था, तुम्हारा तो साला राइम भी नहीं कर रहा है, क्या है ये, एक्सप्लेन। साले हाईवे अथॉरिटी को तुम्हारी वीडियो भेज दी ना तो सिग्नल टूटे ना टूटे तुम्हारी गांड जरूर टूट जाएगी। पर नहीं, एक बात की तो तारीफ करेंगे हम तुम्हें, तुम दोनों की गानों की वजह से सुसाइड रेट जरूर कम हुआ है। हाँ सर ये तो है, लाइक हमारे गाने से पॉजिटिविटी तो फैलती है, ये बात है ये। अरे नहीं बाबू, कैलकुलेट जरा गलत कर लियो, हम कह रहे हैं तुम्हारे गाने जो सुनता है ना वो सोचता है साला ये लोग ये गाने बना के जिंदा है तो हम क्यों मर जाएं। हेलो बोलो एल्विश भाई। हाँ। देखना हमारी कम्युनिटी के बारे में क्या बोल रहा है, आप सुन रहे हो यार ऐसी? जो साड़ा बेवकूफ का बच्चा, अब इसका सिस्टम ठीक करता हूँ मैं, रुक साड़ेगा। ओए क्या भाई हैं, खुराक मांग रहा साड़े? कुछ पता हमारी अचीवमेंट के बारे में तुझे हैं? अरे तुम्हारी अचीवमेंट, अरे रुको जरा तुम्हारी अचीवमेंट गिनवाई जाए, रुको। तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट है बिग बॉस, जो थाराभाई जोगिंदर और दीपक कलाल जैसे लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। तुम्हारी दूसरी अचीवमेंट है ये 12-13 साल के बच्चों की अंधभक्ति, जो अपने सगे बाप से ज्यादा तुम्हारी इज्जत करते हैं। और सुनोगे? सुनाते हैं। और तुम्हारी तीसरी अचीवमेंट है ये ऑल नॉनसेंस कंट्रोवर्सी जो तुम बनाते हो अपने वैलिडेशन के लिए। जी हाँ बोलो। अबे ओए क्या बकवास किया जा रहा है, तुझे पता भी है हम कैसे बने इतने बड़े इन्फ्लुएंसर? बता। हैं? सुन कैसे बने सर, मुझे भी बनना है। यो साड़ा कौन है? सर जी मैं एक एथलीट हूँ, ये देख रहे हो सर मेडल, कुछ नेशनल के हैं कुछ इंटरनेशनल के भी हैं। जब मेडल जीत के आया ना सर, दो दिन बड़ा नाम हुआ हर जगह, सबने पूछा, पर दो दिन बाद सर किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। अब आप ही बताओ सर क्या करूं, इन भाई की तरह गाड़ी रैप करा लूं या यो भाई कोई वीडियो बनाए करे यार, कौन सी वो लाइव डेटिंग है, लाइव डेटिंग बना लूं फिर बन जाऊंगा सर मैं इन्फ्लुएंसर। अरे पर बनना क्यों है इन्फ्लुएंसर,
इनके एक बार बुलाने पे बड़े बड़े लोग, नेता, जनता, हर कोई आ जाता है भाई। और हम 10-10 दिन तक कुछ खाते नहीं हैं, धरने पे बैठते हैं, छाती पीटते हैं सर, रोते हैं। इसलिए सर मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी बनूंगा इन्फ्लुएंसर।